प्रभु के सराने में जब तेरा मन होगा तब ही सुफल तेरा जीवन होगा। प्रभु के सराने में जब तेरा मन होगा तब ही सुफल तेरा जीवन होगा। सबके लिए आवश्यक सूचना, जैसे हमारे घर मालिक सजन लाल भैया ये गया जी का भंडारा किया था, राम सजीवन सजन लाल भैया राम सजीवन भैया, जैसे आज गया जी का ये भंडारा हुआ था उसी के उपलक्ष्य में हमारे श्रीमान मान्यवर विनय डांसर के नौटंकी का प्रोग्राम रखा है। तो आज की रात जय मां की ठावर देवी सर संगीत पार्टी ग्राम सभा लोहंगी पोस्ट धरौली थाना अंतु जनपद प्रतापगढ़। क्या बात है, आज की रात आपकी सेवा में आप सबके मनोरंजन के लिए कौन सी संगीत लेकर आए हैं? क्या बात है, ये हमारे श्रीमान मान्यवर विनय कुमार डांसर और इस पार्टी के मैनेजर श्रीमान राहुल डांसर और साथ में हमारे मास्टर राम सिंह भैया। ओहो, आप सबकी सेवा के लिए कौन सी संगीत लेकर आए हैं आज की रात इस रंगमंच पर आपको दिखाएंगे? क्या बात है, भाभी का जुनून। ओहो, भाभी का जुनून मासूम बच्चे का खून। क्या बात है, भाभी का जुनून मासूम बच्चे का खून उर्फ डाकू राकाश उर्फ डाकू राकाश बोलो शंकर भगवान की। लीजिए अब आप लोग शांति का सहयोग दीजिए और संगीत पर ध्यान दीजिए। आज की रात ये आपका गांव नहीं है, ये हमारे स्टेज के माध्यम से ये जिला उज्जैन है, ग्राम जैनपुर है, ये जिला उज्जैन है ग्राम जैनपुर है। हम बाबू साहब कि हवेली में इसमें मेरी ड्यूटी लग चुकी है, चल रहा हूं, इंतजार करता हूं।
शायद बाबू साहब आते होंगे। आपको मालूम हो कि मैं कौन हूं, अपना परिचय बताने से पहले मैं आप सबको देखकर खुश हुआ, फोड़ा नहीं समाया। मैं आप सबका आभारी हूं। मैं ही नहीं, मेरे खानदान में जो भी पैदा होंगे आप सबके आभारी रहे। मार्गे की बात है, आप न होते, आप न होते तो मैं न होता, और मैं न होता आप न होते। अब सारे सीधा करो इसको। आप न होते तो मैं न होता, और मैं न होता आप न होते। कहावत है, राम हनुमान के सेवक, राम हनुमान के सेवक, और हनुमान राम के सेवक। आप जमीन पर हैं, जमींदार हैं, हम चौकी पर हैं, चौकीदार। ये जुड़ा उज्जैन है, ग्राम जैनपुर, मध्य प्रदेश उज्जैन, ग्राम चैनपुर, चैनपुर का इकलौता जमींदार। मेरा शुभराम, मेरा शुभराम बाबू कंसराज। बाबू कंसराज खुराना, और अपने दुश्मनों को खत्म करना मेरा वसूल है पुराना। चैनपुर में हमारे खिलाफ कोई सारा बगावत नहीं करता। अगर कोई फूल से भी बगावत करता है या साला सर उठाने की जरूरत करता है, साले का सर कुचल देते। अगर कोई साला जुबान चलाता है, साले की जुबान काट ले। अगर कोई आंख दिखाता है, साले की आंखें निकाल ले। ताकि कंसराज मौल का दूसरा नाम है, जब दूर दूर तक बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा मेरे लाल, नहीं तो ठाकुर कंसराज आ जाएगा। इलाका मेरा है, आदमी मेरे हैं, जमाना मेरा है, जमींदार मैं हूं। कहावत है, जमाना हमें मिटा ना सके, जमाना हमें मिटा ना सके, जय जमाने में दम नहीं, जमाना हमसे है, हम जमाने से रहे। मोदी लाल
जय शंकर मोतीलाल। हाँ राम साहब। हराम खोर, जब मैं हवेली में आता हूँ तमाम सारे पीछे वाले गेट पर जाकर खड़े हो जाते हैं। नहीं बाबू साहब, आखिर बात क्या है? बाबू साहब, आप समझ नहीं पावत हैं, आपके दुश्मनी चारों तरफ बढ़ी है। सो तो है मोतीलाल। मान लिया, आप सामने से अगर कोई आएगा तो उसका आप देखभाल कर लेंगे, और अगर पीछे वाले गेट से आएगा तो कौन देखभाल करेगा? इसीलिए मैं पीछे वाले गेट के रहता हूँ। बहुत खूब बरखुरदार। अगर उधर से कोई आता है तो साले को गेट पर जिंदा गाड़ दूंगा। बहुत अच्छा, इसीलिए मोतीलाल हम तुम पर भरोसा ही नहीं। हाँ बाबू साहब, बल्कि भरपूर विश्वास रखता हूँ। हाँ, मोतीलाल जो काम करेगा वो ठाकुर कंस राज के हक में करेगा। बाबू साहब, मोतीलाल बाबू साहब, तुम तो जानते हो। हाँ, हमारे परिवार में हाँ, सिर्फ दो सदस्य हाँ, मैं हाँ, और मेरी एक बहन। अच्छा, मेरी बहन का नाम पूजा है। अच्छा, पूजा विदेश से पढ़ाई पास करके घर आ रही है। मोतीलाल घर आवतिया है? हाँ मोतीलाल। तब तो बाबू साहब इंतजाम करे पड़े। क्या इंतजाम करेगा भाई? खाने पीने का बढ़िया व्यवस्था। हाँ, उनको स्टेशन से लाने का व्यवस्था। नहीं, जैसे टसनवा पे जाए के पड़े तब हाँ, तो सवारी कर तब तक लेके आओ। हाँ मोतीलाल। हाँ मोतीलाल। हाँ बाबू साहब, हमारे परिवार में दो सदस्य। हाँ, और हाँ अगर माना जाए हाँ, तो तीसरे तुम, तुम्हारे दो भाई और। क्या कि तुम लोग हाँ, हमारे यहाँ काफी दिनों से काम कर रहे हो। हाँ बाबू साहब, हमारे आजा बाबा दादा वो भी हमारे यहाँ काफी दिन से काम कर रहे हैं, इसलिए हम तुम्हें अपने घर का सदस्य मानते हैं। अच्छी बात है बाबू साहब। मोतीलाल। हाँ बाबू साहब। और हाँ, रही जरूरी बात, साथ के भवानीपुर गांव का माधव किसान। अच्छा, पड़ोस के माधव, पड़ोस के भवानीपुर गांव का माधव किसान हमारे घर से 500 रुपए कर्ज ले। 500? हाँ मोतीलाल। कब का भा? नहीं दिया। अच्छा, उसके घर गए। अच्छा, सारा पैसे ने इनकार कर दिया। कहो घर गए बाद में हकार दे। हाँ, तब हमें गुस्सा आया। कहो आओ देखाना था। अच्छा, साले के घर में आग लगा दिया। ओह, वो साला बौखला गया। अरे बाप, आंखें दिखाने लगा। अच्छा, उठाकर साले को उसी आग में फेंक। राम नाम सत्य हो गया। साले का राम नाम सत्य हो गया। इतने में उसकी बीवी दौड़ी आती है। अच्छा, चिल्लाने लगती है, बस उसी में उसी आग में फेंक दिया। दोनों सारे जलकर राख हो गए। ना रहा बांस और ना बजी बांस। उसकी सारे की जमीन जायदाद हवारी हो गई। अच्छा। हाँ मोतीलाल, बहुत अच्छा। और रही अब साले बुजुर्गपुर गांव की, दीपक अपने ब्याह में, अपने ब्याह में साला अपने बाप को लेकर हमारे घर आया। अच्छा, कहा बाबू साहब हमें 5000 रुपए चाहिए। 5000? हाँ मोतीलाल। तब कहा भा? साला ना पैसे दिया। ओह, ना अभी तक हवेली में मुंह दिखा रहे। कहो चलो आज उसके घर चला जाए। अच्छा, अगर पैसे देता है तो ठीक है, अगर पैसे नहीं देता तो जो हाल उस साले माधव किसान का हुआ वही हाल सारे उस दीपक का। हाँ मोतीलाल, ताकि मैं वो ठाकुर हूँ, 36 खोपड़ी मिलाकर ये खोपड़ी बनी है। जैसा मैं कह रहा हूँ यही यथार्थ है। अगर ऐसा ना दिया मेरे जीने का सवाल मेरी भरी जवानी, जैसा मैं कह रहा हूं ऐसा होकर। एक कहावत है मोतीलाल। हाँ बाबू साहब। चंद्र तले सूरज तले। अच्छा, चंद्र तले सूरज तले, तले जगत व्यवहार, पर सत वचन कंसराज के
तरे रसद जा चलो मोदी यार, आज सारे के घर चलते हैं, जैसा कह रहा हूं ऐसा करूं, और नहीं किया तो मेरी माँ का तो था नहीं करो की बहना, नहीं करो मेरे विस्तार इंद्र ही का पर साला मेरे दरबार, जैसा मैं कह रहा हूं ऐसा होकर याद है जयपुर वालों, हमारे खिलाफ कोई सारा बगावत नहीं करेगा, बगावत करेगा अगली शेर में सारा मारे, आ रहा हूं अगली शेर में इस ब्रेक के बाद। सबसे पहले आए हुए सभी अभिभावकों का अभिवादन, हमारी बढ़ी हुई माताएं बहने, इस भारत का छोटा छोटा बच्चा सबको प्रणाम। हमारे स्टेबल भाइयों को नमस्कार, ये बारू की पैदाइश बनाता है, दारू बिना कोई गलत बात नहीं होता है, क्योंकि बोतल में लिखा होता है रम आर यू एम, इसका फुल फॉर्म है, दारू पीने वाले जानते नहीं है। रेगुलर यूज मेडिसिन, दारू दारू डेली पीजी है, अगर हिसाब से पियोगे इज्जत मुफ्त में पाओगे, दारू पी के नम टंकी करोगी तो थोड़ा इन बातों से क्या मतलब, आप लोग दारू नहीं छोड़ना,
अपने समाज को दुरुस्त रखना है। हमारी बातों पर ध्यान नहीं देना, नौटंकी है सुबह चले जाएंगे। खैर छोड़ो, हम समझाने नहीं आए हैं। आप लोग सबसे पहले मेरा परिचय लीजिए, हम कहाँ का रहने वाला है। ये जिला उज्जैन है। गांव विजयपुर है। मैं वहीं का रहने वाला हूं। मेरे घर में एक बीबी है, ओनली वन वाइफ, एक पत्नी जिसका नाम अर्चना है। अर्चना की गोदी में एक प्यारा सा छोटा सा बच्चा है जिसका नाम रोशन है। मेरा नाम आदरणीय माननीय सम्मानित शब्दों से दीपक कुमार। हमारे घर वाले, हमारे गांव के क्षेत्र वाले मुझे प्यार से, इज्जत से दीपक पियाऊ कहते हैं। बतलात बतलात आधी चूक गए, घरे आई गए, मरे झोपड़ी में हमारे मेहरारू नहीं देखा। एक इतनी आदत खराब, यहाँ रोहा डोलती रहा, कभी देखी तो वो सारे माँ कसा भैया। ए दीपा भैया जरा राम और भले हाँ कहे इतना हीरत है यार। कहो हाँ, एक बड़वा कौन दर्दी खिया का कर दे एक कहा तही आज कार भुला जाता हूँ हमको यार। देखा संतोष हाँ, तू का जाने अगर हम केहू को मानी थे तो होगा मानी। बेटा हम जान रही भैया और हम केहू को नहीं जानी। सही बात किया तू हमारे घरे का हो। हाँ, हमका ठेका पे छोड़ के चलाया कहेगा। अरे यार तू खुद नहीं आवत रहा, का करी हम। चखना उखना ले है यहाँ। चखना उसका चखना तो यार नहीं ना, धुआं धक्कड़ के साथ। अरे यार बीड़ी माचिस ले ही अपने घरे में बैठ के पिए वाल हो। तोहरे घरे में बैठबे करब, चला बैठा जाए, बैठ के पिया जाए, कनो देर नहीं। Yeah.
हाँ भाई जी बताओ तो अपने भैया समझौते ना का रो अजीन भौजी ये समझाओ बड़े तोहरे घरे आई तो नहीं का करे आई हो इन्हें तो चाल चलन देख के तो हम परेशान नहीं उठा अपने भैया तो इनका कहे कि इतना जिन किया इतना जिन पे अधिकार उल्लू मुंड हुआ पड़ा है आते ही घर यार हमको जाए दे नहीं यार रो सर ये पापा कहो ये तो हमार दुल्हनिया यार कस दुल्हन का बात यहाँ हो रो सर पापा हमारे पास सुना ढीबी ढीबी कहे कर दिया Oh.
को पीना बहुत जरूर, पास में पैसा न हो जा